अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम असलम है और मेरा ताल्लुक मिलिट्री स्टेट्स DHA लाहौर से है। आज मैं आपको ऑन ग्राउंड विज़िट करवाने लाया हूँ DHA फेज़ 8 का सेक्टर U। सेक्टर यू की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि DHA में अभी तक जितने भी जो फेज़ 8 के अंदर पार्क्स हैं उसका सबसे बड़ा जो पार्क है वो सेक्टर यू के हिस्से में आया है। नियर इन फ्यूचर आप देखेंगे इसकी डिवेलपमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी हद तक उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के जो है इसकी डेवलपमेंट इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना वो शुरू कर देंगे। दूसरी अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं और बाएं घर भी बने हुए हैं और यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल कोई 4 से 5 पार्क्स हैं इस ब्लॉक में और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जो कि सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी तक वो बने नहीं हैं और इन फ्यूचर वो बन जाएंगे। घरों की अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें और पिछले कुछ अर्से पहले की अगर आप बात करें तो यहाँ पे रेट्स काफ़ी कम थे, लेकिन चूँकि रियल इस्टेट ने बूम किया और यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड डिवेलपमेंट की सूरत हाल है, लोगों का जो रुझान है वो यू ब्लॉक की तरफ है और यहाँ पर घर बनने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस भी राइज़ हो गई हुई हैं। अभी भी अगर कोई घर बनाना चाहता है नियर टू रिंग रोड, इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये भी है कि रिंग रोड के बहुत करीब है। इसके साथ आपको DHA का सबसे बड़ा कमर्शियल ब्रॉडवे फेज़ 8 का वो भी मिलेगा। लाहौर से अगर आपने एग्ज़िट करना है तो रिंग रोड की एक्सेस आपके पास है और अगर आप एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से हार्डली 5 से 10 मिनट के फासले पर आपको एयरपोर्ट भी मिल जाता है। DHA फेज़ 8 के हवाले से अगर आप कुछ भी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।